तो हेलो क्लैशर्स, तो क्लैशर्स आप सभी को तो पता है CWL चालू है। CWL के अंदर आपको तो पता ही है कितने लिमिटेड डोर्स मिलते हैं अपन को, लेकिन वो उनको मिलते हैं जो सिर्फ CWL खेलते हैं। और मैं सिर्फ CWL नहीं खेलता, CWL के साथ मैं वोर्स भी खेलता हूँ। तो अभी मैं उस क्लैन के अंदर हूँ जिसके अंदर हमने सेकेंडरी क्लैन है, इसके अंदर हम वॉर खेल रहे हैं। और इसके अंदर मेरे दो अटैक्स अभी रिमेनिंग है और दोनों अटैक मैंने किए नहीं है, मतलब दोनों अटैक रिमेनिंग है, क्या बोल रहा हूँ। बट हाँ, जो वॉर की जो टाइमिंग है वो अभी 33 मिनट्स में एंड होने वाली है, तो मेरे को बस अटैक करना है जल्दी से जल्दी। और अभी हमारी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसमें तुम देख ही सकते हो। और बाकी CWL का अटैक तो भाई बहुत OP गया है और हमारी CWL भी बहुत अच्छी जा रही है। तो थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हारे को दो अटैक दिखाता हूँ। एक तो मैं नंबर 3 पे कर रहा हूँ, एक नंबर 5 पे कर रहा हूँ जल्दी से। और क्या पता नीड बढ़ जाए तो मैं नंबर 9 पे करना पड़ जाएगा। तो ठीक है, पहले तो नंबर 3 पे करते हैं, नंबर 3 के बेस को तो फोड़ दें। ठीक है, एक बार ही मैं तुम्हारे को बेस भी दिखा देता हूँ नंबर 3 का। तो ये कुछ नंबर 3 का बेस है, ऐसा बेस है। तो इसमें बस मैं सीधा वहीं पे चले गए जहाँ से मेरे को अटैक करना है, जो मेरा प्लान जो RC वाला कंपार्टमेंट है इस साइड को मैं वार्डन लूँगा और वार्डन से ये वाला कंपार्टमेंट खाली करने की कोशिश करूँगा। वार्डन के साथ हीलर्स रहेगी और उसके अपोजिट साइड से, मतलब ये कौन सा क्लॉक बोलते हैं, ये 9 o'clock से मैं अपना क्या नाम है यार, सीज मशीन का मैं नाम भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे, जो भी है यार फ्लेम फ्लिंगर, वो उससे ये कंपार्टमेंट निकालूँ। बाकी सारी आर्मी जाएगी कोर के अंदर, बूम मैम हो जाएगा, सारी आर्मी ख़त्म कर देगी बेस को। अब बस बात बाकी है अटैक देखने का। तो अटैक तो मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैं तुम्हें दिखा दूँगा। इस PC से मेरे से अटैक नहीं हो पाता, माउस भी मेरा ऐसे ही है। तो मैं बस अटैक करके आया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो यस गाइस, आई एम बैक। मैंने दोनों अटैक कर लिए अपने वॉर के, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। अब अगर ये इतना ही रहा तो हम जीत जाएंगे। देखो दोनों ही क्लैन के 28 स्टार्स है, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो 99% पे, उनका जो है 92.50 है। तो अगर ड्रो के प्रकार पे रहा, इतने पे रहा तो हम जीत जाएंगे। तो बस होप यही है कि वो अटैक ना करे। अब तो बस 14 मिनट्स बचे हैं। और हाँ, मैं अपने अटैक्स बताने जा रहा था। मैंने किया था नंबर 3 और नंबर 5 पे अटैक, तो तुम्हारे को पता है नंबर 3 का तो पता है, नंबर 5 पे भी मैंने किया। मैं तो नीचे भी चला रहा था लेकिन क्लैन वालों ने बोला कि नीचे मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसलिए नंबर 5 पे किया मैंने। उसके चक्कर में भाई बहुत होल्ड करना पड़ा। तो यार ये बिल्कुल सेम बेस था वैसे नंबर 3 का भी ना, नंबर 3 और नंबर 5 का बेस बिल्कुल सेम था, प्लान भी बिल्कुल सेम था। लेकिन इस वाले में तुम देखोगे तो भाई लक चल रहा भाई आज मेरा, सही बता रहा हूँ। मैं जब भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ ना, उस दिन मेरा लक नहीं चलता, लेकिन इस वाले में लक चल रहा था मेरा। वैसे मैंने तुम्हारे को इस बेस का प्लान बता ही रखा है, तो बस वही प्लान है, इसको फॉलो करते हैं और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल बेस था, बल्कि नंबर 5 वाला भी बिल्कुल सेम डिट्टो बेस था। बस फ़र्क ये था कि टाउन 16 है था और टाउन 15 का, और कुछ फ़र्क नहीं था। तो बस यही काम किया, पहले एक जाइंट दिया। जाइंट इसलिए क्योंकि तुम्हारे को बताइए हिडन टेस्ला वगैरह हो सकते हैं, तो जाइंट उसको ट्रिगर कर देता है। उसको ट्रिगर कर देगा तो मेरा जो ये लोग लॉन्चर है उसको हिडन टेस्ला को मार देगा। तो यार हिडन टेस्ला बहुत ज़्यादा खा जाता है इसकी हेल्प, वैसे ही अपने आप तो मरता रहता है, डिगे होता रहता है, तो बहुत बेनिफिट रहता है अगर तुम एक जाइंट को यूज़ करो। जाइंट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तुम लून का भी यूज़ कर सकते हो, लून का वहाँ पर यूज़ करो। जब जैसे इधर रिकशे कैनन होती ना और जाइंट और ये साथ छुटे हुए होते, तो वो रिकशे कैनन जाइंट को मारती और जाइंट के चक्कर में ये भी फटता। जहाँ पे रिकशे कैनन है वहाँ पे तो लून्स का यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं जाइंट का यूज़ करता हूँ। अभी अटैक चल रहा होता, मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना पॉज कर दिया मैंने। मैं कह रहा फास्ट करता हूँ, कर दिया मैंने पॉज, तो एक्सपे कर दिया वार्डन का फना। अभी तुम वार्डन को देखना भाई, तुम वार्डन को देखना। इस वार्डन को क्वीन से पंगे लेता और वन हाफ हो गए इस पर भाई। क्वीन इधर मार देती, मेरी वार्डन की एबिलिटी ख़त्म। मैं यही कह रहा हूँ भाई, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना भाई, इस रिकॉर्डिंग में ना मैं लक्की था भाई। मैंने अपना CWL का भी अटैक रिकॉर्ड किया, उसमें भाई मैं लक्की था भाई। तुम लक देख के ना तुम्हें जलन मचेगी भाई। बल्कि रूट राइडर्स तुम्हारे को पता है नर्फ हो चुके हैं, CWL से पहले नर्फ हो चुके थे रूट राइडर्स। और बताओ लकी अटैक के चक्कर में भाई ट्रिपल निकल रहे भाई। लक ने साथ दिया भाई बहुत मेरा, सही बता रहा हूँ मैं। अब इधर मेरी वार्डन एबिलिटी भाई, तुम्हें आपको बताया वार्डन एबिलिटी कितनी कीमती होती है। बस बात वही है, वार्डन एबिलिटी लूट चुकी थी फिर भी निकल गया भाई। रगड़ रगड़ 3 स्टार आ गया, रगड़ रगड़ के नहीं यार, अच्छा खासा आ गया था 3 स्टार। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी ना, तुम एक और चीज़, क्वीन की एबिलिटी ना तुम ना सही टाइमली दे दिया करो, क्योंकि जब से फ्रोजन एयर हुआ ना तो वो थोड़ा सा ना क्वीन पूरी एबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाती, वो पहले मर जाती है अपनी इनविजिबिलिटी में आने से पहले मर जाती है। तो उसका ना इनविजिबिलिटी को ना जल्दी यूज़ कर लिया करो, मतलब उसकी एबिलिटी को जल्दी यूज़ कर लिया करो थोड़ा सा। ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई तो अब ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक है एबिलिटी, लेकिन तुम उसका कोशिश करो कि वो ना ही हुए तो ही बढ़िया। अभी अटैक अच्छा खासा किया 3 स्टार। मैं तुम्हारे को नंबर 5 का बेस दिखा देता हूँ कि बिल्कुल सेम ही है, अटैक नहीं दिखाता। बिल्कुल सेम तो बेस था यार, क्या अटैक दिखाना ना भाई, बस वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तुम्हारे को भी अच्छा नहीं लगा तुम स्किप करके बैठ हट जाओगे।
या वीडियो छोड़ दोगे, इससे सही तो मैं तुम्हारे को सिर्फ बेस दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल सेम डिटो बेस था, मैंने ही किया इस पर अटैक। रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, देखो ईगल वही है, हीरोज़ है इसके, इसके पास सीधा हिडन टेस्ला था, हिडन टेस्ला फार्म थे, बाकी और कोई फ़र्क ही नहीं है भाई, बिल्कुल सेम बेस मतलब। और टाउन 15 है क्या है ये, टाउन 16 के सामने टाउन 15 क्या ही लगता भाई, टाउन 16 के सामने ही नहीं मतलब हायर टाउनों से तुम लोअर टाउन और अटैक करोगे तो ईजी रहता हो। तो मैं तुम्हारे को इसका रिजल्ट बताता हूँ जल्दी से और फिर तुम्हारे को सीड वाले भी दिखाता हूँ। तो गाइस वो वॉर एंड हो चुकी है और वो एंड भी हो गई है और नई वॉर लग भी गई है, मेरे को थोड़ी सी देर रुकना पड़ गया, ये न्यू वॉर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो न्यू वॉर लग चुकी है और वो उस वॉर का रिजल्ट मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। उसके लिए तो भाई अपन को इधर वॉर लॉग्स में ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हट चुका है, तो तुम देख सकते हो 28-28 स्टार्स टाइप थे लेकिन हम परसेंटेज से जीत गए, हमारे 99% थे उनके 92.50% थे, तो इस परसेंटेज से हम जीत चुके हैं। अब मेन बात है तुम्हारे को CWL का दिखाना, मेरे को लग रहा है कि जो चीज़ दिखानी थी ना मेरे को तुम्हारे को CWL में, और वो नेक्स्ट CWL में यहाँ पहुँचा, चलो कोई नहीं देखते हैं। रिक्वेस्ट तो मैंने भेज दी अपने क्लैन में, मेन क्लैन के अंदर, गो करोना क्लैन के अंदर जहाँ पे हमारी CWL चल रही है, अब भाई जल्दी से मेरे को बुला ले तो मैं तुम्हारे को दिखा दूँ, से देखते हैं जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो वो लोग बोल रहा था हो जाएगा और हो भी गया, देखा मस्त चीज़ हो चुकी है, आ चुका हूँ मैं। और अड्डा भाई ने ही एक्सेप्ट कर ली भाई रिक्वेस्ट, तो ठीक है अड्डा भाई को बताया भाई हम क्लैन के बंदे, मैं यही सोचता था एक अभी अटैक आ ही गया, चलो चलो कोई नहीं इसका तो कर देंगे, अभी नहीं इसमें कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्या, अभी करूँ क्या इसका, मैं तुम्हारे को पहले वही दिखा देता हूँ, अभी मेरा मेरी आर्मी वगैरह नहीं होगी और इतनी ज़्यादा देर रुक नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे को अपना हमारी क्लैन की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो जैसा कि तुम देख भी सकते हो कि हमारे 156 स्टार हैं और हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत तुम देख रहे हो ये नंबर 2 वाले ना, वो 60 से 60 चल रहे हैं, उनका 154 है और हमारे को प्रमोशन चाहिए भाई, प्रमोशन किसको नहीं चाहिए भाई, हमारे को प्रमोशन चाहिए भाई, लेकिन ये बहुत बहुत सटे हुए भाई हमसे, इनका डिस्ट्रक्शन बल्कि हमसे ज़्यादा है, जहाँ इन्होंने स्टार्स टाई कर लिए ना तो हमसे ऊपर आ जाएंगे भाई, ये दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी। और इनसे हमारी वॉर अगर मैं देखूँ तो कब होगी, अभी तक तो नहीं हुई है, ये पता नहीं कब होगी, कब है भाई इनसे हमारी वॉर, अभी चल रही क्या, अभी ही चल रही भाई इनसे वॉर, अच्छा अच्छा तो इन्होंने अभी 5 अटैक भी कर दी, अच्छा तो हमारी इनसे ही वॉर चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट वॉर चल रही है यार, मेन चल रही है CWL में। तो अगर मैं तुम्हारे को अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ तो मेरी परफॉर्मेंस तुम देख ही सकते हो, मेरे तीनों CWL के अटैक्स के अंदर मेरे तीनों में 3 स्टार के हैं, टोटल 9 स्टार के हैं, तो हमारे इस क्लैन की परफॉर्मेंस सही चल रही है, बस जो थोड़ी सी जो दिक्कत देने वाला बन सकता है ना वो ये क्लैन बन सकता है, इसका नाम है प्रोनाउंस क्या करूँ, जेंसलर यही होगा पता नहीं भाई, माफ़ कर देना मेरे को अगर गलत कर रहा हूँ, बस ये दिक्कत दे सकता है, अगर हमने इनको हरा दिया तो सब मुझे लगे। तो दोस्तों ये Day 4 वाले का तो मैं तुम्हारे को बता दूंगा आराम से, थोड़ी सी देर बाद बता दूंगा, जो मेरा प्लान था ना, जो ओरिजिनल प्लान था कि Day 3 का दिखा के और फिर उसको कंप्लीट करना, वही करता हूँ, तो इसलिए मैं अभी Day 3 का दिखाता हूँ। मैंने Day 3 पे अटैक किया था नंबर 8 के बेस पे, जैसा तुम्हारे को दिख भी सकता है, नंबर 3 के बेस पे किया था मेरा अटैक और इधर से मेरे को इतने ऑर्स मिल गए थे, तुम देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो, तो आप देखते हैं अपन रिप्ले। तो पहले मैं एक सेकेंड पॉज कर लेता हूँ, तुम्हारे को साथ के साथ ही प्लान बता देता हूँ। तो आर्मी मेरी बिल्कुल सेम रही, जैसा तुमने देखा भी जो वॉर्स के अटैक में जो किया था सेम आर्मी थी, बस थोड़ा सा प्लान मैंने चेंज किया था, प्लान का जो मेरा जो प्लान था मोटिव जो था वो फ्लेम फ्लिंगर ही था ये ईगल वाले सेक्शन में, लेकिन इधर सोलो फ्लेम फ्लिंगर नहीं दिया था मैं, इधर मैं उसके साथ वार्डन वॉक भी करता हूँ इसी सेक्शन में। अब इसी सेक्शन में मेरा पूरा प्लान था कि पूरा ईगल तक ही आ जाए, तो मेरा मोटिव ये था कि जब ये पूरा इतना कंपार्टमेंट आ जाएगा ना, तो इस कंपार्टमेंट के बाद चाहे इस साइड से ये 3 o'clock से या बेशक 9 o'clock से कहीं से भी अटैक कर देंगे, चालू कर देंगे। वैसे मेरा प्रेफरेंस था क्योंकि 9 o'clock, क्योंकि इधर ना फनल करना बहुत ईजी था, एक विजार्ड भी छोड़ूंगा तो इधर से फनल हो जाएगा, वो इधर से थोड़ा सा टफ था इधर फनल करना, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इधर से करूँगा और इधर से ही करता हूँ। तो अब रिप्ले जो है चालू करना बहुत हटा था, तो मेरा जो प्लान रहता है ठीक टाइम पे हो गया था अटैक, मतलब टाइम फेल की भी कोई दिक्कत नहीं आती, ओवर पावर गया था अटैक, बट हाँ इसके अंदर भी मेरा भाई लक बहुत काम अच्छा किया था। इधर मैंने पहले जायंट छोड़ दिया था बस, पता नहीं क्यों, बस कोई ख़राब बात तो नहीं है सर, जायंट ऐसे छोड़ दिया ना, बट हाँ छोड़ना नहीं चाहिए था इधर, ये मेरे को वैसे फर्दर यूज़ कर सकता था मैं फनल के टाइम पे दूसरे एंड। तो अब वार्डन और फ्लिंगर जो है अच्छे से काम कर रहे होते हैं, मगर इधर से अगर तुम देखोगे, बट इधर से मैं ईगल नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा था, मैं सोचता हूँ ईगल को छोड़ देते, वो तुम्हारे को अभी पता भी चल जाएगा।
ये मस्त था यार। मैंने पहली बार वैसे ऐसे किया। मैं वैसे यूजुअली जो करता हूँ ना वो सेपरेट ही रखता हूँ दोनों को, जिससे अच्छा फनल हो जाता है। इधर से मैंने विजार्ड भी छोड़ दिया थे वो, क्योंकि सेपरेट में ना एक बिल्कुल कोर में चला जाता है। जब इसको देखा ना मैंने वेस्ट को, मैं कहा इसका एक ही सेक्शन है और ये सेक्शन हट जाएगा ना तो मेरा बिल्कुल फनल मिल ही जाएगा मेरे को। तो इसलिए मैंने इधर से देखो विजार्ड ने थोड़ा सा निकाल दिया, ये थोड़ा सा बच गया था। यही काम ख़राब करता है, यही आगे जाके बहुत काम ख़राब करता है। अब वार्डन को मैं इधर बदला लेता हूँ। मेरे को डर लग रहा था कहीं टाइम फेल ना हो जाए, और ईगल को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा डैमेज खा जाता। और ईगल पे तो भाई कॉन्स्टेंट फ्रीज जाती है। अब यहाँ पे काम हो जाए ख़राब, मेरी आर्मी जाती है इधर, लेकिन सारी की सारी वेलकायरी और किंग जो है वो बाहर चले जाता घूमने पिकनिक मनाने। यहीं पे हो जाता काम ख़राब। और ये चीज़ ना मेरे को ऐसा लगा था कि भाई अब मेरा अटैक गया ख़त्म। ये मैंने फ़ोन पे किया था, मैं इस टाइम पे लाइव रिकॉर्ड भी कर रहा था फ़ोन पे। तो मेरे को डर लग रहा था, मैं कहा भाई रिकॉर्ड करना तो मेरे लिए एक तरीके से नसूम है, मैं उस टाइम पे ये सोचा था। लेकिन नहीं, अब चेंज हो गया, अब मेरे लिए लक्की है भाई रिकॉर्ड के साथ अटैक करना, मेरे लिए लक्की है। तो अब मैं वैसे ही करूँगा, ट्राई तो वैसे ही करूँगा, लेकिन ना दिखाऊँगा मैं ऐसे ही। अब ऐसे ही इसलिए दिखाऊँगा क्योंकि ऐसे में ना पीसी में ना अच्छा दिखता है, उसमें ढंग से स्क्रीन में नहीं आता फ़ोन की, आधी ऊपर से तो बॉर्डर कट जाता है उसमें। और तुम देखो भाई इसके अंदर तुम देखना रूट्स कितने बचेंगे मेरे इस वाले बेस में। ये वैसे बेस डिसेंट बेस बोलेंगे, इतना कोई खास बेस नहीं था, कोई ये बोले बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था भाई, बहुत अच्छा बेस था कि जिसे कोई डिफेंड नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता जिस पे। तो ऐसा कोई नहीं था, डिसेंट बेस था, इतना कोई इतना भी कोई खास बेस नहीं था। तो बिल्कुल आराम से निकला, तुम देख सकते हो भाई कितने सारे रूट्स बचे हुए मेरे, इतने सारे रूट्स बचे हुए ना भाई, मज़ा आ गया। इधर से लूज छोड़ दिए, आरसी मैंने इस कंपार्टमेंट में दे दी थी, पूरा कंपार्टमेंट वाइज प्लान था इस साइड से, मतलब इस वाले में ईगल वाले में फ्लिंगर और वार्डन, इस जो इसके बगल वाला उस पर आरसी और बाकी आर्मी इस स्ट्रेट में। इतना मस्त प्लान गया क्या बताऊँ। और तुम खुद देखो यार रूट्स कितने बचे हैं मेरे, मेरा एक भी रूट राइडर नहीं मरा, एक भी रूट राइडर नहीं मरा इस अटैक में। तो इस वीडियो के लिए तो बस मैं इतना रखता हूँ। अगर तुम्हारे को कुछ वीडियो देखनी है सीओसी की बढ़िया सी, तो तुम ये वाली चेकआउट कर सकते हो, मेरे को अच्छी लगी। आई होप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।